देखो भाई अपने पास बाइक आ चुकी है दूसरी, देखो ये री और ये अपनी ये री, मतलब दोनों सेम बाइक्स हैं, मतलब कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं सोच रहा था इसका सामान सारा निकाल के और इसमें डाल दूं, क्योंकि ये चालू बाइक है ये जो पुरानी ली है, तो इसका सामान इसमें डाल दूंगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो चलो काम शुरू करते हैं आज का, लेट्स गो। मैं पहले तो ये सोचा था कि इसका सामान निकाल के इसमें लगा दूंगा, पर फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो है चालू, तो क्यों ना मैं इसका सामान निकाल के इसमें लगा दूँ। तो मतलब चालू तो है ही, चेसिस भी वही है, मतलब ऐसे फिट हो जाएगा ये टायर भी इसमें और अगला भी ऐसे ही हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो सामान है वो इसमें लगा दूँगा इंजन को छोड़ के। तो भाई आज हम इसमें अगला सस्पेंशन लगाएंगे, इसमें इसका निकाल के इसमें लगाएंगे। तो आज की वीडियो में आप यही देखेंगे, तो वीडियो को भाई लास्ट तक देखना। तो चलो करते हैं शुरू वीडियो को। तो ये रहा टूल अपना, अब चलो इसको खोलते हैं। पहले इसको खोल लेंगे, फिर उसको खोल लेंगे, फिर इसको उसमें लगा देंगे। तो चलो इसको खोलते हैं पहले। तो भाई पहले हमें ये मेन नट खोलना पड़ेगा, तो चलो खोलते हैं इसे। तो भाई ये खोल दिया मैंने, तो अभी ये एलन की भी मतलब लूज कर दिए, तो अभी ये पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा। चलो निकालते हैं इसको। तो ये आ गया भाई, ये अलग हो गया बिल्कुल। तो मैं ये पाइप नहीं खोलूंगा, क्योंकि जो डिस्क ब्रेक्स का जो सारा प्रेशर है ना वो ख़त्म हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से बनाया था। तो अभी चेक नट खोल देंगे यहाँ से। तो भाई ये तो खोल दिया मैंने इसमें से, अब इसका निकाल लूँगा मैं और फिर इसका निकाल के इसमें फिट कर दूँगा, ये इसमें फिट कर दूँगा। तो चलो अब इसका खोलते हैं। इसके लिए भी हमें सेम ही पर्पज़ है अपना, पहले यहाँ से खुलेगा और फिर ये खुलेंगे हैंडल। चलो हैंडल भी खोल ही देंगे। भाई मैंने हैंडल भी अलग कर दिया और रेस जो एक्सीलरेटर का वायर होता है वो भी अलग कर लिया और क्लच का भी। मुझे फ्रंट ब्रेक तो चाहिए नहीं थी, वो तो इसी में रहेंगे वो तो, क्योंकि उसमें तो डिस्क है ना दूसरे वाले में, तो ब्रेक्स की जरूरत नहीं है। तो चलो अब इसको यहाँ से खोलते हैं, जिससे इसके स्पोक्स मतलब ये प्लेट ऊपर आ जाएगी, फिर यहाँ से चेक नट खुल के ये नीचे चले जाएगा ऐसे की ऐसे। तो चलो मैं खोल के दिखाता हूँ एक बार आपको खोलने के बाद। वाह चल रही है भाई तेज, खुल जा यार। खुल जा सिम सिम। खुल ही नहीं रहा यार, ये बहुत टाइट है। खुल गया। तो देखो भाई मतलब शोकर के भी यहीं पे वो है पढ़ने वगैरह, और शोकर ठीक करना तो यहीं से हो जाएंगे। तो चलो अब इसको निकाल देते हैं। मैं थोड़ी कहा पहले भाई प्लस तो आ जा। भाई साहब इसकी तो वायरिंग भी खोलनी पड़ेगी। चलो सॉकेट निकालता हूँ मैं सारे, एक बार वीडियो बंद करनी पड़ेगी। भाई स्पीडोमीटर वगैरह भी निकाल दिए ये रहा। तो चलो अब इसको यहाँ से खोलेंगे, ये चेक नट खोलेंगे। ये तो इसका बूशर है, इसको भी हम साइड में रखते हैं और फिर अब ये चेक नट खोलेंगे। ये इसका लॉक, चेक नट खुलने नहीं देता ये, मतलब खुलेंगे। अरे ये तो लूजर है। तो इसका इंजन स्टार्ट कर दो ना, तो मच्छर मारने की मशीन हो जाए। इसका इंजन किट तो डलवानी पड़ेगी भाई। देखो खोल दिया, बट खोलते वक्त इसका ये वाइजर टूट गया यार। चल कोई नहीं, देखा है मिल गया। तो अब इसमें लगाएंगे ये वाला, और ये वाला लगा देंगे इसमें। तो चलो अब इसको फिट करते हैं।
फ्रंट सस्पेंशन की तो फिटिंग पूरी होगी, अब भी पीछे का लगाना। पीछे का मैं उसमें से खोल लाया जो पहले वाली थी, तो अभी इसका खोल रहा था मैं, पर अब मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा भी लंबी वीडियो हो जाती ना, तो इसलिए। तो कल या परसों अगली वीडियो भी आ जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखा दूँ, ये क्यों आ गए। तो इसकी दिक्कत दिखाऊं भाई, इंजन मतलब कटे खत्म है, देखियो। तो मतलब इसका इंजन का काम मतलब ये पूरी किटी डलेगी, वो भी दो तीन दिन में करवा दूँगा। मैंने यहाँ पे एक पड़ोस में ये एक बाइक वाला, उससे कहते वो बोला दो तीन दिन बाद टाइम लगेगा, मैं चलो दो तीन दिन बाद कर दिया भाई। तो पहले इतना मैं ना इसमें मतलब पीछे वाला टायर लगा दूँगा इसमें। तो आज के लिए भाई इतना ही, एक बार आपको मैं लास्ट में चला के और दिखा दूँगा। अगर भाई वीडियो पसंद आई तो इसको एक लाइक तो बनता है, और नीचे लाल कलर का बटन है उसको भी दबा दियो भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।